हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनायसी चौहान ब्लॉग। और गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल पर तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए, आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आलू और चावल के आटे का नाश्ता। और फ्रेंड, मेरा वीडियो में स्किप हो गया, स्किप नहीं हुआ फ्रेंड, वीडियो शूट पे लगाई थी लेकिन वो वीडियो हो नहीं पाया कि मैंने इसे कैसे किया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें आलू को हल्का सा उबाला था, मतलब 30% उसे उबाल लिया था, और उसे मैश करके और फिर चावल का आटा मिलाकर उसे मिक्स करके और उसे गोल गोल करके और ढक्कन से उसे बीच में सेप दे दिया था। तो बस उस तरह करके उसे और स्टीम करके पका लिया। तो मैंने यहाँ पे पैन में अदरक लहसुन मिर्च और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और ये जो हम आलू और चावल का जो स्टीम करके बनाए थे नाश्ता, तो उसे ऐड कर दिए हैं। और इसमें मैंने डाला अभी नमक, और थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस और विनेगर डालेंगे फ्रेंड। अगर आप इसमें और वेजिटेबल वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे केचप, जो कि इसके टेस्ट को बहुत मस्त कर देगा, और ये खाने में पास्ता से कम नहीं लगेगा फ्रेंड। और फ्रेंड, वीडियो शूट नहीं हो पाया इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा। और फिर मैं सुबह सुबह अब नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ वगैरह कर ली हूँ, और यहाँ पे किचन की सफाई कर देती हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह अब हम सब कर चुके हैं। और अभी कभी मैं अगर वो वाली रेसिपी बनाऊँगी फ्रेंड तो ज़रूर से शेयर करूँगी वीडियो। पता नहीं कैसे शूट नहीं हुआ, मुझे खुद नहीं समझ में आया, शायद मैंने ऑन किया होगा तो फिर ऑन नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे फटाफट से किचन साफ़ कर लेती हूँ, और थोड़े बहुत बचे हुए बर्तन हैं तो उसे भी लगे हाथ उसे भी साफ कर लेती। अच्छा, वीडियो करने के लिए तो साड़ी पहनेंगे, ऑल हाउसवाइफ इज लुकिंग लाइक इन साड़ी। तो मेकअप ना करेंगे? अरे अब काला ब्लाउज में ऐसे चेहरा नहीं खिल रहा ना, काला ब्लाउज में चेहरा नहीं खिला ना बिना मेकअप का, जो सच बात तो बता रहे हैं ठीक है। मेकअप करिए तो शायद तो फ्रेंड आप सब कमेंट करें कि मुझे बहुत ज़्यादा ससुर की वीडियो शूट करना चाहिए या फिर मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही। और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ मायरा की कपड़े की शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा है और हमारे यहाँ पे 10वीं को नया ड्रेस पहनने का रिवाज है फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे कपड़े बहुत दिन से, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है और जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। तो ये वाले ड्रेस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगा, तो इसी को डिसाइड किए हैं लेने के लिए। और अब हम पहुंच गए घर कपड़े वगैरह लेकर, और डॉक्टर के यहाँ पे नंबर लगा दिए हैं क्योंकि शाम को दिखाएंगे। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड, तो मैं यहाँ आज बना रही हूँ मटन, जो कि क्योंकि दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, और जब से सावन आया था फ्रेंड तो बीच में शायद एक किसी दिन कुछ बना हुआ होगा, क्योंकि एक दिन शायद चिकन बना था और हमारे फैमिली मेम्बर आए थे, यानी हमारे सास ससुर जी आए थे, तो उस समय एक दिन बना था और बस उसके बाद अभी नहीं बीच में बना। तो तो फ्रेंड मैं यहाँ पे धो रही हूँ चावल, क्योंकि हमारा जो अदहन है, हमारे यहाँ पे अदहन ही बोलते हैं जिसमें चावल पकाते हैं, तो पानी को उसे पानी नहीं बोलते हैं, उसे अदहन बोलते हैं, तो जिसमें चावल डालेंगे। और यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, दूसरी साइड में कुकर में मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड। जैसे फ्राई हो जाएगा फिर उसमें मटन में डाल के और उसे भी फ्राई कर लूँगी। और चावल में थोड़ा सा धान था फ्रेंड, कुछ कुछ धान थे उसके छिलके, तो वही फेंक रही थी। और मेरा क्या है ना फ्रेंड कि मैं जब भी नॉनवेज बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हाथ धोती हूँ, और ये देखिए मटन यहाँ पे फ्राई हो गया है, और फ्रेंड काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। तो
तो यहाँ पे मटन भी फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे पानी। और फ्रेंड कभी भी आप मटन और चिकन बनाए तो गर्म पानी डालें, उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ रहता है। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, और ये देखिए कितना अच्छा, अभी पूरा पका भी नहीं है तो भी देखिए कितना अच्छा टेस्टी एकदम से दिख रहा है। और इस अब क्या करते हैं कि ढक्कन बंद करके इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। तो बस इसे पकने देते हैं। तब तक क्या करते हैं कि घर में थोड़ा बहुत झाड़ू कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है कि मायरा बहुत छोटी है तो इधर उधर सामान फेंकते रहती है, और साथ में आज बेटा का भी छुट्टी था। तो यहाँ पे हो गया है मटन, और ये देखिए कितना टेस्टी बना है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे हमने लंच वगैरह कर लिया, यानी दोपहर का खाना, बर्तन भी साफ कर लिया। तो बेटे को खाना था डोसा, तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास, छोटी ग्लास से अरवा चावल, और उसी ग्लास से आधा ग्लास से भी कम उड़द के दाल, और उससे भी आधा चना दाल भिगो के रख दिए हैं जो कि पीसेंगे बाद में। तो फ्रेंड हम मायरा को हॉस्पिटल से दिखाकर और घर आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने पहली बार यहाँ पे देखा दुर्गा माँ की मूरत। तो मैं बहुत मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया फ्रेंड कि मैंने दुर्गा माता का ये दुर्गा पूजा में मूर्ति नहीं देखी थी, क्योंकि कभी घर जा नहीं पाती हूँ, इतना दूर रहती हूँ। इसलिए जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे फ्रेंड, तो मैंने देखा कि डांस वगैरह हो रहा है, गाना बज रहा है, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जल्दी जल्दी से चलिए, मुझे भी देखना है और बच्चों लोग को भी दिखा देंगे। तो हम सब पहुंचे तो देखे कि यहाँ पे तो दुर्गा माता जी हैं। तो फिर मैंने बोला कि गाड़ी को रोकिए, मैं वीडियो शूट करूँगी, और आई होप कि इसका ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। तब तक लेटा टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।